बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है, जहां इससे ठीक पहले मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। महागठबंधन का कॉमन मैनिफेस्टो घोषित होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। हमारा प्रण नाम से जारी 16 पेज के मैनिफेस्टो में आरजेडी ने कई वादे किए हैं। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा कि ये कोई घोषणा पत्र नहीं है बल्कि हमारा प्रण है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के इस घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के विचार भी समाहित हैं। तेजस्वी ने इस मौके पर एनडीए को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि हम 10 लाख नौकरी की बात करते हैं तो वे लोग रोजगार के तहत पकौड़ा तलने और नाले की सफाई करने की बात करते हैं। हमको बिहार बेहतर बनाना है, इसके लिए नेशनल एवरेज पर पहुंचना होगा। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि झूठा वादा करना हो तो बीजेपी जेडीयू की तरह तो हम कुछ भी कह सकते थे। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के सवाल पर ही हाथ खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यहीं नहीं रुके, तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि 19 लाख रोजगार देंगे लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे, आखिर ये लोग बेवकूफ किसे बनाते हैं। खैर, अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया, ये हम लोगों का प्रण है। प्रण हमारा संकल्प और दाव का जो कि सच होने वाला, इसमें काफी डिटेलिंग और काफी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीजों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर से स्मार्ट गांव का जिक्र किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, समुदाय विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में है, एक नीति हमारी क्या रहेगी उसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में है जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धता है, ये सभी लगभग है हर एक चीजों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव विस्तार रूप से हर एक चीज दिया है। हमने पहले भी कहा, कई दिनों से हम कह रहे हैं, लोग हंसी लाया करते हैं कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर, रोजगार को कचरे साफ करना हो तो रोजगार हो, पकौड़ा करो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ, लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ये सच होने वाला है, देश के इतिहास में पहली बार के 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाए, 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा विभाग में, पुलिस बैंक में 7% जूनियर इंजीनियर का पद है वो खाली है, डॉक्टर, नर्स,
कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का, ज्यादा पुलिसकर्मी है, लेकिन बिहार में 1,070 पुलिसकर्मी है। तो इन सारे भागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो है कभी भी सरकार दे सकती। और ये बजट में ऑलरेडी कार्यकर्ता इन सारी चीजों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये बड़े व्यक्ति हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले की बात। हमको बिहार बेहतर बनाना है, जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 लाख नौकरियां मिलाकर कुल 10 लाख हो जाते। उनका वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत की मुकाबले आए। भाजपा वाले होता है कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में हाथ करेगा, दिए नहीं कहां से देगा, पैसे कहां है? तो बीजेपी कहां से देगी, कौन करेगा? तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको हो रहा है? बोलते पैसा नहीं है, बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट में अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बनाएंगे। अब कहा है जल्दी स्वस्थ हो जाए, लोगों की शुभकामनाएं हैं, लेकिन यही सुशील मोदी जी ने 2 बयान दिए कि आपको याद होगा, 3 बयान कि संसाधनों की कमी है, जब मजदूरों को लाने की बात की जाए। एक बार अपराधियों के सामने हाथ चौथा हाफ टाइम जब पट्टा में बैल जमा होता, तब चौथा जो बेइज्जती होने कभी का काम किया, जो रोजे मजदूर कमाने के मजदूर पलायन करके भागते हैं, वो तो शौक के लिए जाते हैं, मजे के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। तो ये है बीजेपी का चेहरा बिहार में, ये है। और चिट्ठी निकाला जाता है कि मजदूर भाई अगर आएंगे तो अपराध हो जाएंगे। लेकिन सबके आम जरूर खुल गए, इतनी बड़ी संख्या में बिहार में कमाया हुआ है, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के द्वारा सब लोगों का जो आम वो जो पर्दे लगे वो पर्दे चाहे कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास क्षेत्र है, जो आपके जीविका है, ये जितनी स्वयं सहायता समूह सबके मामले को लगभग 2 गुना से ज्यादा हम बढ़ाने का काम करेंगे। और एक बात और, केंद्रीय शिक्षकों को लेकर के जो था समान काम समान वेतन, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान जो 10 लाख रोजगार की बात नौकरियों की सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं। जब कारखाने लगेंगे हमारी जो नीति क्या है इसका विस्तार रूप से है, कृषि का हमारा क्या काम बनेगा इसका विस्तार रूप से ज्यादा से करेंगे, आप लोग खुलेगा, आप सब लोग देख सकते हैं पर्सन। लेकिन हर तरीके से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है।
आज तक हवा हमारी बात हुआ था, लेकिन ये हमारा संकल्प है, संकल्प मतदान का, ये हमारा प्रण है जो कि सच होने वाला है और ये हम करते रहेंगे। हम बार बार कहते आए हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभलना, नीतीश कुमार जी खत्म।